वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तारिका। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। हाय गाइस, आज हम काजू बटर मसाला बनाने वाले हैं, जो आई थिंक ऑल फेवरेट, बच्चों को बहुत पसंद है। तो चलो बनाते हैं काजू मसाला। हाँ, और काजू बटर मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए काजू। मैंने अप्रोक्सी 150 ग्राम जितना काजू लिया है, कसूरी मेथी, रेड चिली ड्राई, तमालपत्र, तज, लौंग, और ये जावेंत्री लिया है, हरा धनिया है, और काजू और मगजतरी की मैंने उसको भिगो के रखा है, जिसको मैं पेस्ट बनाऊंगी, और ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली की पेस्ट है। दो अनियन लिया है और दो टमाटर लिया है, और जो अपना रूटीन जो मसाला होता है वो लेंगे अपन, रूटीन हल्दी मिर्ची और सब, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउ। हाँ, पहले हम थोड़ा काजू को फ्राई कर लेंगे स्टार्टिंग में। ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। थोड़ा गर्म होने के बाद हम उसको काजू को फ्राई कर लेंगे। अभी इसमें हम काजू डाल देंगे। इसको लाइट, थोड़ा लाइट कलर चेंज हो जाए उतने तक हमें उसको सेलो फ्राई करना। देख रहे हो थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है, ज्यादा भी नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा, इसलिए ये इनफ है। अभी मैं इसी तेल में तज, लौंग, लाल मिर्च और ये तमालपत्र डाल दूंगी। थोड़ा जीरा डालेंगे और थोड़ी हींग। मिर्ची को ज्यादा जलने नहीं देना है, ये थोड़ा हो जाए फिर हम उसमें गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिली की पेस्ट डाल देंगे। ये गैस थोड़ा फुल है इसलिए मैं इसको इस छोटे वाले बर्नर पे रख रही हूँ, ये बहुत फुल गैस चल रहा है। थोड़ा अभी ये गार्लिक हो गया है,
मैं उसमें अनियन डाल देती हूँ। अभी अनियन को थोड़ी देर बादामी रंग का हो तब तक करना है। थोड़ी इसमें मैं ब्लैक पेपर डाल देती हूँ, काली मरी। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं तो क्या है अनियन हो जाए अच्छी तरह से। अभी अनियन हो रहा है उतनी देर में हम अपनी काजू की और मगजतरी की पेस्ट रेडी कर देते हैं। जिसमें हमने ग्रीन चिली और गार्लिक का पेस्ट बनाया है उसी जार में हम इसको क्रश कर लेंगे। आप देख सकते हो कि अपना पेस्ट एकदम मस्त रेडी है जो हम लास्ट में यूज करने वाले हैं। आप इसमें थोड़ा पानी डालना हो तो डाल सकते हो, कम लगे शायद तो। ओके, अभी आप देख रहे हो अनियन थोड़ा ब्राउन होने लगा है। अब इसे थोड़ी मैं जावित्री डाल देती हूँ। अभी मैं हल्दी डालूंगी, धनिया पाउडर डालूंगी, थोड़ा सॉल्ट डालेंगे। अब इसको थोड़ा और पकने देंगे। अभी ये अनियन हो गया है, इसमें मैं लाल मिर्च डालूंगी थोड़ी। थोड़ा गरम मसाला डालूंगी, मैंने सब्जी का जो गरम मसाला आता है वही यूज किया है। बस ये इसके बाद में हम टमाटर डालेंगे। अभी टमाटर को अच्छी तरह पकाना है। अभी आप देख रहे हो ऑलमोस्ट अपना तेल अलग हो गया है। इसमें थोड़ा फुल गैस कर लूंगी मैं और थोड़ा पानी डालूंगी। और जो बाकी अपना मसाला है वो भी मैं अभी डाल दूंगी, गरम मसाला। और इसको थोड़ा पकाने देते हैं फुल गैस पे, अपना मसाला एक हो जाए सब। अभी हम इसमें
काजू डाल देते हैं अपने। कसूरी मेथी डाल देते हैं और ये जो अपना काजू का पेस्ट हमने रेडी किया है वो भी डाल। गाइस आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। आपको मालूम है कि काजू है ना वो क्या है, कभी भी आपका बीपी आपको लो लगे और आपको ऐसा फीलिंग आए कि वीकनेस लग रहा है या बीपी लो जैसा फीलिंग आ रहा है तो ऐसे टाइम पे है ना 4-5 काजू खा लेना चाहिए तो आपको इंस्टेंट एनर्जी फील होगा। काजू खाने से एकदम आपको इंस्टेंट में ही ऐसा लगेगा जैसे मेरा बीपी कंट्रोल में ही होने लगा। अब मैं थोड़ा पानी डालूंगी और उबाल लूं, थोड़ा पानी डाल के अपन उबाल लेते हैं। तो क्या है कि अपना काजू का पेस्ट भी थोड़ा अच्छा अंदर मिक्स हो जाए पानी के साथ मसाले के साथ। तो आप कभी भी अभी आपको ऐसा फील हो कि मुझे बीपी थोड़ा लो लग रहा है वीकनेस लग रहा है तो आप 6-7 काजू एक साथ खा ले और फिर देखिए क्या जादू हो रहा है। ये काजू का तेल है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, वेस्ट नहीं करना है हमें। ये जो बटर है अपना ये काजू बटर मसाला इसलिए बटर थोड़ा गाने छीन रख लेंगे अभी इसको। ढक के रख देंगे थोड़ी देर। अभी थोड़ा उसमें हम हनी डालेंगे। हनी भी कैसा है कि खाली लिटिल बिट ओनली जो अपना जो टमाटर की जो खटास है उसको ही खाली दूर करना है, उतना ही हनी डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। देखो गाइस अपना सब्जी अब एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है। अब मैं उसमें धनिया डाल दूंगी, ये मैंने धो के साफ करके ही रखा है। और मैंने नान भी बना के रख दिया है। अब गरम गरम काजू मसाला बटर मसाला और नान, आ जाओ जिसको भी खाना है। अभी अपना बटर मसाला रेडी है, अब इसको हम सर्व करेंगे। अभी अपना काजू बटर मसाला रेडी है। आप देख सकते हो गाइस क्या कलर आया है एकदम। अब मैं इस पे ये बटर रख दूंगी अपना और ये एकदम मस्त डिजाइन। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। ये अपनी डिश अब रेडी है और मैं इसे ट्राई करूंगी।
और हाँ गाइस, ये नान भी मैंने घर पे ही बनाए हैं, सो इफ यू वांट टू नो रेसिपी देन टेल मी इन कमेंट, आई विल गिव यू रेसिपी, आई विल पुट द यूट्यूब ऑन यूट्यूब। अभी आप काजू बटर मसाला टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा बना है। अनियन की अनियन का सलाद के साथ और ज्यादा अच्छा लगेगा। और आपको भी मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।